Suchitra ji, welcome to Times of India, first of all. Thank you. It's so good to see you on television. ये मदर कैसी है, इंडिया वाली माँ? इंडिया वाली माँ इज अ ग्लोबल फिनोमिनन. जो ये मैडनेस है, जिसको हम ममता बोलते हैं, ऑब्सेशन जो ये है मदरहुड, उसकी कहानी है ये. और ये कहानी बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये है कि हम चाहे 100 साल के हो जाए, लेकिन हम अपने माँ बाप के लिए बच्चे ही रहेंगे. उनके मुकाबले, उनके एक्सपीरियंस के मुकाबले हमारा एक्सपीरियंस छोटा ही रहेगा. तो हमको हमेशा उनकी ज़रूरत, उनके गाइडेंस की ज़रूरत है, उनकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है. और उनका होना हमारी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग ही है. एक मुझे किसी ने बहुत अच्छा बोला था कि यू नो, कि आपके घर में बड़ी गाड़ी ना हो, बड़े बड़े बंगले ना हो, बड़ी ज्वेलरी ना हो, कुछ ना हो चलेगा. माँ बाप जिंदा है, माँ बाप है ना अपने पास, यू आर वेरी रिच, कुछ नहीं चाहिए. यस, तो बस वही है. और इंडिया वाली माँ में ये है कि ये कैरेक्टर का नाम है कौशल्या, काकू. बस पेट नेम है, लोग उसको काकू के नाम से ही जानते हैं, बुलाएंगे उसको काकू. काकू कैसे जो कभी बुच से बाहर नहीं निकली है, और अपने हस्बैंड के बगैर वो कहीं बाहर नहीं जाती है, वो कैसे अकेले एक पूरी जर्नी तय करती है अपने बेटे की वजह से. और कैसे अपने बेटे को, सबसे पहले तो काकू को बीच रास्ते में ये रियलाइज होता है कि यार मेरी ममता गलत, मैंने गलत परवरिश तो नहीं दी है, ये ऐसे कैसे हो गया, ये शायद मैंने इतना प्यार दे दिया कि वो प्यार उसके लिए कुछ ज्यादा ही, वो शक्कर कुछ ज्यादा ही मीठी हो गई, शक्कर की बीमारी हो गई उसे. तो अब थोड़ा सा करेले का जूस पिलाना पड़ेगा. अब थोड़ा कैसे वो अपने सबसे पहले खुद को सुधारे, और वो ममता की चश्मे हटाकर एक क्या दोस्त वाला चश्मा पहनकर उसकी जिंदगी को कैसे वो लाइन पे लाती है, उसकी वो जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल, मजा आएगा. आपने अपने पर्सनल लाइफ से कितने रेफरेंस लिए हैं? हाउ वाज योर बॉन्ड विद योर मदर? आई हैव कॉपी पेस्टेड माय मदर कंप्लीटली. मैंने इस रोल के लिए कुछ ज्यादा मेहनत या कुछ ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स या ऐसा कुछ ज्यादा किया नहीं है, लेकिन हाँ हमने मेहनत सिर्फ एक बात के लिए की है कि चैनल का भी ब्रीफ था और हमारा भी ये अट्रैक्शन मुझे इस शो को लेकर क्यों इतना हुआ, क्योंकि मुझे प्रोड्यूसरों ने और मेकर्स ने ये कहा था कि हम ये नॉर्मल टीवी जैसा शो वो बनाने की मात्रा कम रखेंगे और कॉन्वर्जेशनल और रियल टू लाइफ सीन्स ज्यादा होंगे. चैनल की भी ये डिमांड थी, तो मुझे ये बात बहुत अट्रैक्ट कर गई. तो हम मेहनत पहले स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, फिर स्क्रिप्ट के जो डायलॉग्स है उसको हम भूल जाते हैं, और उसी डायलॉग्स को हम बातचीत की तरह हम उस सीन को रिहर्स करते हैं, उस सीन की कोरियोग्राफी ऐसे करते हैं, उसकी मूवमेंट हम ऐसे करते हैं. अगर सीन में बीच में अगर ऐसा भी है कि अगर ऐसा भी है तो डायलॉग्स नहीं बोलते हम, इशारों से ही वो सीन खत्म कर देते हैं. तो वो सारी चीजें कंसीव करने में और इम्प्लीमेंट करने में मेहनत लगी. जब फिर से शूटिंग शुरू हुई, 5 महीने काम बंद रहा, फिर काम शुरू हुआ है, अब धीरे धीरे शोज लॉन्च हो रहे हैं. 5 मंथ्स तो हम अपने कंफर्ट जोन में रहे, हम घर में बैठे रहे, हमने अपने आप को एक्सपोज नहीं होने दिया इस वायरस से. बट नाउ व्हेन यू आर स्टेपिंग आउट एंड यू हैव टेकन दिस एक तरह का चैलेंज ही कह लीजिए कि यू आर स्टेपिंग आउट एंड वर्किंग एंड एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू मीटिंग सो मेनी पीपल. So was the decision very tough to make कि क्या घर से बाहर निकलना है काम के लिए या नहीं? It was and it was my mother and my mother-in-law, both of them who encouraged me to go step out and work. Wow. Because they were like, this is not going to get over, and this is going to be see. And one of the reasons I am not even meeting them right now is because I'm exposed to a lot of people right now. I am meeting at least 60-70 people every day. Right.
So yeah, but they were saying that this is something which will remain with us. It is a new normal. So you must किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी जी. Plus it is just a flu. अगर होगा तो ठीक भी हो जाएगा. और मुझे लगता है कि हमको कोरोना से ज्यादा हमको अपना डर मार दे. जी बिल्कुल. So it is better के वो डर के आगे जीत है. जाओ काम करो. आप अपने तरफ से कितने प्रिकॉशंस ले रहे हैं? जैसे आपने कहा कि यू नो यू आर नॉट मीटिंग देम, तो कहीं ना कहीं यू नो आप जब निकल रहे हो तो आपकी फैमिली की रिस्पांसिबिलिटी भी अब आपकी हो रही है. आई नो आई एम नॉट मीटिंग देम बिकॉज़ दे आर सीनियर सिटीजंस यू नो, सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल विद देयर हेल्थ एंड दे हैव देयर ओन हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस एट देयर एज. राइट. प्लस आई हैव टेकन ऑन द सेट्स आई keep on sanitizing my hands and I don't talk or don't go to anybody near who's by mistake not wearing a mask. Because sometimes you know wearing that mask is very claustrophobic. Sometimes you need your nose to be down, you just need to breathe normally and go back up again. So yeah, but we are keeping social distancing. The food over there and everything is bought in trays in the khachas. So that we just eat and we finish it off, we trash it, we don't all sit together and eat like we used to in the makeup rooms. But do you miss that? But do you miss that session? A lot, a lot. Now वो हमारे में एक joke है हम serial actors और उसमें के serial क्या बोलते हैं कि script हमारी या हमारा show क्या बोलते राइटर्स टेबल पे कम बनता है और क्या बोलते हैं लंच टाइम पे ज्यादा वो बॉन्डिंग और ज्यादा वो चीजें बढ़ती है. द मिनट यू स्टार्ट ईटिंग विद योर को-एक्टर्स एंड चिलिंग विद देम दैट्स द टाइम आपके सीन्स फिर अलग ही निकल के आते हैं. जी तो वो बॉन्डिंग कहीं ना कहीं अब यू नो बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक वो कम हो गई है. क्योंकि पहले जब शो बनता है तो एक्टर्स ये लंच सेशन ये चिट चैट सेशन थोड़ा सा टाइम मिल गया तो एक दूसरे के मेकअप रूम में बैठ गए बातें कर ली अपने पर्सनल लाइफ के बारे में काम के बारे में वो कहीं ना कहीं अब तो खत्म ही हो गया होगा एकदम से. हाँ हमारी हम ये शो एक साल से कंसीव कर रहे थे सो वो सब हमने वो जो बॉन्डिंग और वो सब हमने पहले ही बिफोर कोरोना हैपेंड हमारी हो गई थी. ओके ग्रेट. हाँ लेकिन अब वो जो इतना साथ में बैठ नहीं पा रहे सब लोग दूर दूर से बात करते हैं लेकिन उसका भी एक अलग ही मजा है. अब यू नो वर्चुअली वी ऑल आर ऑन द वीडियो कॉल ऑल द टाइम. एक मेकअप रूम से दूसरे मेकअप हम लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं मतलब बाजू का ही मेकअप रूम और हम लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं. बट आप इतने साल से टेलीविजन पे आप वो टीआरपी प्रेशर लेते हो बातों से तो नहीं लग रहा बट आप मॉनिटर करते हो टीआरपी. मतलब मॉनिटर सब बहुत मजा आता है मॉनिटर करने में. टीआरपी इसको कितना मिला इसको क्या है इसको कैसे इतना मिल गया ऐसे कैसे हो गया. एवरीबडी डज दैट बट आफ्टर दैट 10 मिनट्स चैट ओवर अ कप ऑफ कॉफी यू फॉरगेट अबाउट. या थैंक यू सो मच. इट वाज लवली एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड होप दिस शो डज रियली वेल बिकॉज प्रोमो तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड यू नो आंखों में आंसू आ जाते हैं. कोई भी मदर और सन रिलेशन हो या डॉटर रिलेशन हो जो देखेगा उसको जरूर ये टच तो जरूर करेगा ये शो आई एम श्योर अगर प्रोमो इतना प्रॉमिसिंग है. थैंक यू विजयलक्ष्मी. थैंक यू. थैंक यू. बाय. टेक केयर. बाय. बाय.